हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर फिट एंड शेप। मैं हूं आप सबका प्रशांत शर्मा। आज का जो वीडियो है ये भी आपकी क्वेरीज के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप चैनल को बहुत सारा प्यार दे रहे हो, ठीक है। आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज दूँ तो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो आपका जो वीडियो है ये भी आपकी क्वेरीज के ऊपर ही है। आज का जो टॉपिक है, अगर आप स्किनी हो, आप पतले हो, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा जो मैंने मील है, ये पूरा जो डाइट चार्ट है, ये आपका सुबह मॉर्निंग से लेकर रात को सोने तक पूरा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा सब कुछ मेंशन किया हुआ है, एक एक चीज़, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो ये आपके वेट गेन, आपके मसल गेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा वेट गेन डाइट चार्ट है, ये पूरा इंडियन डाइट चार्ट है, ठीक है। सो आपको नो नीड टू वरी, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो इजी टू अरेंज हैं, ठीक है, अफोर्डेबल है, फूड आइटम्स हैं, ठीक है, ज़्यादा आपको महंगी आइटम नहीं है, ठीक है। सारी जो चीज़ें आपके घर पे होती है वही चीज़ मैंने इसके अंदर मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर एक्सरसाइज भी करनी है, एक्सरसाइज का भी मैंने वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। आपके वेट गेन और मसल गेन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है, आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, अगर मेल हो तो आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है पूरे एक दिन में, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा डाइट प्लान है ये पूरा ही पूरा आपका मसल गेन और वेट गेन के ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये डाइट चार्ट खाओगे मोटे हो जाओगे, आपका पेट निकल आएगा, आपके गाल फूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा मैंने आपके मसल गेन को लेके, ठीक है, पूरा गुड फैट जो भी आपका गुड होगा, ठीक है, उस चीज़ को लेके मैंने ये पूरा डाइट चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले हमारा आता है मॉर्निंग मील। मॉर्निंग मील में क्या करना है, जब हम उठते हैं आपको क्या करना है कि रात को सबसे पहले आपको 10 से 15 बादाम आपको सो करने हैं, साथ में आपको किशमिश करनी है और एक मुट्ठी आपको काले चने रात को भिगो के रखने हैं। उसके बाद आपको जब मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग में उठ के वो चीज़ें आपको खानी है, मतलब कि 15 बादाम हो गया, 15 किशमिश हो गई आपको और एक मुट्ठी आपको काले चने, ठीक है। इसके साथ आपको 1 से 2 आपको बनाना भी खाना है, आपको केले भी खाने हैं। अब हमारा आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज बहुत 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 इंपॉर्टेंट मील है हमारे वेट गेन और मसल गेन के लिए, तो इसे स्किप मत करें, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट हमारा कैसा होना चाहिए, इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए, हमारे फाइबर्स, हमारे गुड फैट्स, हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हमारा प्रोटीन इनटेक, हमारा सब कुछ होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सो प्लीज़ इसे स्किप मत करें, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है बनाना शेक, ठीक है। उसके बाद आप जैसे आप उसके साथ आप ओट्स खा सकते हो, आप दूध और मिक्सचर का ओट्स आप खा सकते हो, वेजिटेबल ओट्स खा सकते हो, आप दलिया खा सकते हो, ठीक है। अगर आपका मन करता है पराठे खाने का तो आप 1 से 2 आप पराठा भी खा सकते हो, साथ में आप दही भी खा सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आपको खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे खा सकते हो, 4 से 5 अंडे आपके हो गए, बॉयल एग हो गए, ठीक है, पोल खाने हैं आपको, ठीक है, आप ऑमलेट खा सकते हो, आप अंडों की भुर्जी खा सकते हो, तो ऐसा एक आपको अच्छा सा, एक आपको हेल्दी सा आपको एक आपको ब्रेकफास्ट करना है। इसके बाद हमारा आता है मिड मील। मिड मील हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है, जैसे हमारा हो गया 11 से 12 बजे का टाइम हो गया, जब 12 से 1 बजे का टाइम हो गया, तो वो हमारा मिड मील होता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमें खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे ही हमारा मसल गेन और वेट गेन होगा। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ सकती है, अगर आपका कुछ पीने का मन होता है, आप छाछ पी सकते हो, आप लस्सी पी सकते हो, आप शेक पी सकते हो, कोई भी जैसे आपको चीकू शेक हो गया वो आप पी सकते हो, ठीक है। आपका कुछ और जैसे पीने का मन हो रहा है, जैसे आपका चाय पीने का मन हो रहा है, आपका कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, ब्लैक टी, आपका ग्रीन टी, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपका खाने का मन हो रहा है, आप रोस्टेड आप चने खा सकते हो, आप रोस्टेड आप सोयाबीन्स खा सकते हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको खानी है। आपको ये हो गया बिस्किट खा सकते हो, आप ओट्स बिस्किट खा सकते हो, ठीक है, कोई सीजनल आप हो गया फ्रूट्स खा सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मिड मील के लिए, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है, तो इसको भी आप स्किप मत करें। हमारा शुरू होता है लंच। लंच भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है। हमें पता ही नहीं होता हमें लंच में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। हम जा तो ऑफिस में होते हैं, जहाँ कहीं बाहर होते हैं तो हम बाहर के फास्ट फूड्स खाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको वेट गेन भी करना है तो आपको फास्ट फूड ऐसी चीज़ें आपको नहीं खानी है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि मैं अनहेल्दी चीज़ें खाऊंगा, जहाँ कुछ और हो गया, ब्रेड हो गया, बर्गर हो गया, ऐसी चीज़ें खाऊंगा तो मेरा वेट गेन होगा, तो उससे आपका अनहेल्दी आपका वेट गेन होगा, आपका अनहेल्दी फैट गेन होगा, ठीक है। तो आपको एक लंच भी आपको अच्छी तरह खाना है। लंच भी आपको एक पूरा एक इंडियन आपको मील होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी दाल, आपकी सब्जी,
ठीक है, 3 से 4 होगी चपाती होनी चाहिए, ठीक है, और सैलड होना चाहिए और दही होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आपको खानी है। अगर आपको साथ में कुछ और खाने का मन है, जैसे आपको ब्लैक चने आप खा सकते हो, आपका होगा वाइट चने आप खा सकते हो, ठीक है, आप राजमा खा सकते हो, ठीक है, आपको स्प्राउट्स खा सकते हो, इन सब का, ठीक है, आप मिक्स करके, ठीक है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप साथ में होगे चिकन, आप चिकन खा सकते हो, ठीक है, आप फिश खा सकते हो, आप अंडे की आप होगे भुर्जी खा सकते हो, आप अंडा कड़ी खा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको खानी है। इन द सेंस आपको क्या करना है कि आपको एक हेल्दी सा आपको लंच करना है, ठीक है। सो प्लीज़, लंच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मसल गेन और फैट गेन में, ठीक है। सो प्लीज़ 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 इस चीज़ को आप स्किप मत करें। इसके बाद हमारा आता है इवनिंग मील। इवनिंग मील हमारा क्या होता है, लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है, जैसे हमारा हो गया 4 से 5 बजे का टाइम हो गया, तो ये हमारा इवनिंग मील होता है। इवनिंग मील को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि, ठीक है, आप बहुत सारे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाँ भाई ब्रेड हमें खानी चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड को आप अवॉइड करें। हो सके तो आप होल ग्रेन आप ब्रेड खाएं, आपको मल्टी ग्रेन ब्रेड खाएं, मगर इनमें भी मैदा होता है, मगर बहुत कम मैदा होता है एज़ कम्पेयर टू वाइट और ब्राउन ब्रेड पे, ठीक है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमारा आता है अभी इवनिंग मील। इवनिंग मील भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है। इस समय क्या होता है कि हम ऑफिस से हम फ्री होते हैं, जहाँ पे हम स्कूल से फ्री होते हैं, ठीक है, हम कहीं बाहर होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें हम बाहर वाली हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा अनहेल्दी फैट गेन होता है, ठीक है। तो उन सबको छोड़ के मैं आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चीज़ में आपको बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप नोट करते जाइए। साथ साथ में इवनिंग मील के अंदर आपका कुछ पीने का मन हो रहा है, आप चाय पी सकते हो, आप कॉफ़ी पी सकते हो, आप ब्लैक टी पी सकते हो, आप ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है। फिर आप जैसे आपको छाछ पी सकते हो, आप लस्सी पी सकते हो, अगर आपको अवेलेबल है तो आप कोई शेक पी सकते हो, जैसे हो गया चीकू शेक हो गया, आपका हो गया बनाना शेक हो गया, तो ये आप साथ में पी सकते हो। अगर आपका कुछ खाने का मन है, आप सोया चंक्स खा सकते हो, आप सोया बीन्स खा सकते हो, आप रोस्टेड, ठीक है, आप रोस्टेड आप चने खा सकते हो, ठीक है, आप हो गया पीनट्स खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको आपको खानी है, कोई आलमंड्स हो गया, ठीक है, आपको आपका हो गया काजू हो गए, तो ये सब चीज़ें आपको आपको खानी है, ठीक है। अगर आपको कुछ और खाने का मन हो रहा है, ठीक है, आपका आपका मन हो रहा है तो आप ऑमलेट खा सकते हो, आप हो गया आपका हो गया ओट्स खा सकते हो, ठीक है, आपका एग खा सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको इवनिंग मील में आपको खानी है। अब हमारा पार्ट आता है एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज जो पार्ट है ये हमें हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा इस पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है, एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। तो मैं आपको भी बताऊंगा एक्सरसाइज से पहले आपको क्या खाना है, जो आपको क्या पीना है, जो आपका होता है आपका प्री वर्कआउट होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या खाने का, आलू और आपको आपको दही का आपको मिक्सचर खाना है, मतलब कि आलू आपको ना आपको बॉईल कर लेने हैं, उसके अंदर आपको दही को आपको मिक्स करके आपको आपको खाना है, ठीक है, हाफ एन आवर आपको पहले खाना है एक्सरसाइज करने से पहले, जैसे एक हो गया कटोरी हो गया, तो ये आपको एज ए प्री वर्कआउट आपको लेनी है। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वेट गेन और मसल गेन में, ठीक है, तो जिससे कि आपका मसल मास भी आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो आपको उससे उसका आपको डबल आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज भी साथ साथ में आप करते हो। एक्सरसाइज के लिंक मैंने ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप इन सब एक्सरसाइज को आप फॉलो करके आप घर पर भी अपना मसल को आप ट्रेन कर सकते हो, आपका मसल मास आपका इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ एक्सरसाइज को स्किप मत करें। एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना होता है, आपको एक अच्छी सी आपको एक डाइट लेनी होती है, जिसके अंदर आपका होना चाहिए प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप वेजिटेरियन हो तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूँ कोई ना कोई आप अच्छा सा आप प्रोटीन ले लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप साथ उसके बाद आप एक्सरसाइज के बाद आप चिकन खा सकते हो, ठीक है, आपका हो गया बॉयल चिकन हो गया, आपका हो गया रोस्टेड चिकन हो गया, ये आप खा सकते हो, ठीक है, और एग भी आप खा सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ एक्सरसाइज को स्किप मत करें। अब हमारा आता है डिनर पार्ट। डिनर भी हमारे मसल गेन और वेट गेन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डिनर हमें हेल्दी सा करना है, हमें अनहेल्दी डिनर नहीं करना है, हम बाहर से कुछ खा के नहीं आएंगे, घर की जो बनी हुई चीज़ें वही खानी है। जैसे आपकी होगी चपाती हो गई, 2 से 3 आपकी चपाती हो गई, ठीक है, फिर आपकी होगी दाल हो गया, सीजन सब्जी हो गई, तो ऐसी चीज़ें आपको अपने साथ में खानी है। अगर आपका मन करता है आप छाछ भी पी सकते हो, आप लस्सी भी आप पी सकते हो साथ में, ठीक है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप साथ में आप चिकन भी खा सकते हो, ठीक है, आप फिश भी खा सकते हो, फिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर आपका मन करता है तो आप अंडा कड़ी भी आप साथ में खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको एक हेल्दी सा आपको आपको डिनर करना है। जो आपका डिनर का आपका टाइमिंग होगा वो आपको 8 से 9 बजे का आपका टाइमिंग होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप बाद में आप लेट भी आप सोते हो, ठीक है, आपको दोबारा आपको भूख लगती है, तो आपको क्या करना है, आपको बेड टाइम के टाइम पे आपको आपको दूध और आपको हल्दी का आपको मिक्सचर पीना है, ठीक है। और इसके अलावा आप दूध के साथ आप 2 केले भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खानी है। और रात को सोने से पहले आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको 10 से 15 आपको बादाम आपको भिगो के रखने हैं, साथ में इतनी ही आपको किशमिश
और इतने ही आपको एक मुट्ठी आपको काले चने ताको ताजो आप मॉर्निंग में उठो आप वो चीज़ें आप खा सको। तो ये रात को आप भिगोना ना भूलें, ठीक है। तो ये जो मील है ये आपके नाइट शिफ्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, वो आपको सिर्फ आपके शिफ्ट के हिसाब से आपको ये मील आपको लेना है, ठीक है। सो प्लीज़ ये जो पूरा ही डाइट चार्ट है आप स्किप मत करें, ठीक है। आपका वेट गेन जरूर होगा, आपका मसल गेन जरूर होगा। मैं आपको एक आपको मेरे साथ आपका एक प्रॉमिस है कि अगर आप 15 दिन भी आप ये डाइट आप फॉलो करते हो तो आपका वेट आपका और मसल गेन आपका जरूर होगा, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। और जो भी आपकी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको देते रहें, आपको टाइम टू टाइम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।